सुप्रभात विद्यार्थियों, नौवीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपठित गद्यांश करवाने जा रही हूँ। विद्यार्थियों, अपठित गद्यांश आपका पेपर में 10 नंबर का आता है और करीब करीब 70 से 80 शब्दों के बीच होता है। विद्यार्थियों, अपठित गद्यांश को हल करने से पहले हमें कुछ बातों पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। जैसे पहली बात है कि हमें गद्यांश को कम से कम 3 या 4 बार पढ़ना चाहिए और तब तक पढ़ना चाहिए जब तक इसका मूल भाव हमें स्पष्ट न हो जाए। अगली बात, हमें मान लो किसी शब्द का अर्थ यदि समझ नहीं आ रहा, तब हमें उसको उस पंक्ति को कम से कम 2-3 बार पढ़ें और करीब करीब उसके अर्थ तक पहुँचें। पूरी तरीके से नहीं, पर जितना समझ आता उतना हमें समझना चाहिए। अगली बात, गद्यांश में आपसे 2 नंबर का शीर्षक पूछा जाता है। शीर्षक जो है वो आपका मुख्य भाग अर्थात केंद्रीय भाव का ही होना चाहिए और शीर्षक हमारा 2 या 3 शब्दों से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं अपठित गद्यांश। मैं इस अपठित गद्यांश को पढ़ूंगी। अपठित का मतलब ही जो पहले पढ़ा ना हुआ हो, ठीक है। अपठित गद्यांश को मैं पढ़ने जा रही हूँ और इसके शब्दों के अर्थों को भी आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। व्याकरणिक जो भी प्रश्न होंगे उनको भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसमें भाषिक कार्य एक प्रश्न आता है, उसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न ही होते हैं। तो सुनते हैं। एकदा राजकुमार सिद्धार्थ विहारार्थम उपवनम गतः। एकदा होता है एक बार। राजकुमार है सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ। यहाँ सिद्धार्थ की विशेषता बताइए कि वो राजकुमार है। विहारार्थम, विहार करना, विहार होता है घूमना, अर्थम होता है के लिए, विहार के लिए अर्थात घूमने के लिए। उपवनम गतः, उपवन गए। गतः, गतः भूतकालिक अर्थ को दर्शाता है, भूत गए। सहसा एकम क्रंदम ध्वनिम श्रुत्वा सह इतस्ततः अपश्यत। सहसा होता है एक, अचानक, एकम एक, क्रंदन ध्वनिम, क्रंदन ध्वनि रोने की आवाज़, क्रंदन होता है रोना, ध्वनि होता है आवाज़, श्रुत्वा सुनकर, सह का मतलब उन्होंने, इतस्ततः, इतस्ततः इधर उधर, अपश्यत देखा, किसने देखा, उन्होंने देखा। यहाँ जो सह जो वो करता है, ठीक है। अपश्यत देखा, किसने देखा, पूछा जाता है कई बार कि इस क्रियापद का कर्तृपद बताओ। कर्तृपद होता है कर्ता, मीन्स जिसने देखा, किसने देखा, उसने देखा, स, तो स यहाँ पर कर्तृपद है। बाणेन विद्धः एकः हंस भूमौ पतितः आसीत। बाणेन विद्धः, बाण से विद्ध होता है घायल, बाण से घायल एकः हंसः, एक हंस भूमौ भूमि पर, विद्धः पतितः आसीत गिरा हुआ था। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर सिद्धार्थस्य चित्तम, यह देखकर, एतद् होता है यह अर्थात यह दृश्य, दृष्ट्वा देखकर सिद्धार्थस्य चित्तम, सिद्धार्थ का चित्त, चित्त होता है मन, करुणया करुणा से अर्थात दुख से, व्याकुलम व्याकुल जातम हो गया, जातम मीन्स हो गया। स धावित्वा उसने दौड़कर हंसस्य शरीरात, हंस के शरीर से, बाणम बाण निष्कास्य, निष्कास्य होता है निकाल कर, तम उसे, उसे का मतलब उस हंस को, किसको, हंस को, अंके, अंक मीन्स गोद में, अधार्यत रख लिया अर्थात उसने दौड़कर हंस के शरीर से बाण निकालकर उसे गोद में, अंके, अंक होता है गोद, अधार्य धारण कर लिया या फिर रख लिया। अत्र अनंतरे, अत्र प्लस अनंतरे, इसी बीच देवदत्त, देवदत्त धावन दौड़ता हुआ, तत्र प्राप्त है वहां पहुंच गया। अत्र अनंतरे, दोबारा बता रही हूँ, इसी बीच देवदत्त दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। सिद्धार्थस्य हस्ते हंसम दृष्ट्वा स उच्चै अवदत्। सिद्धार्थ के हाथ में, मारा किसने था, देवदत्त ने, ठीक है, अब क्यों बचाया किसने था, वो सिद्धार्थ ने, तो सिद्धार्थस्य हस्ते, सिद्धार्थ के हाथ में हंसम दृष्ट्वा, हंस को देखकर स उच्चै अवदत्, वह जोर से बोला। सिद्धार्थस्य हस्ते, सिद्धार्थ के हाथ में हंस को देखकर वह उच्चै जोर से अवदत् बोला, कौन बोला, देवदत्त बोला, क्या बोला, सिद्धार्थ एषः मम हंसः, यह मेरा हंस है, संबोधित कर, यहाँ से संबोधन है, सिद्धार्थ यह मेरा हंस है,
मया बाड़े निपातित, मेरे द्वारा बाण से गिराया गया है। मया मीन्स मेरे द्वारा, अर्थात देवदत्त कह रहा है ये, मेरे द्वारा अर्थात देवदत्त के द्वारा बाण से निपातित गिराया गया है। अतः मयम देही, मयम होता है मुझे, अस्मद इसमें मूल शब्द चतुर्थी व्यक्ति लगी हुई है, इसलिए मयम मतलब मुझे, देही दे दो, सिद्धार्थ दृढ़तया अवदत, सिद्धार्थ मजबूती से बोला, अहम न दास्यामि, मैं नहीं दूंगा, दास्यामि दूंगा, अब दूंगा का कर्तृपद, दास्यामि का कर्तृपद दूंगा, कौन नहीं देगा, मैं, अहम, अहम यहाँ पर कर्तृपद, मैं नहीं दूंगा, अहम अस्य रक्षकः अस्मि, मैं इसका रक्षक हूँ, रक्षक मीन्स रक्षा करने वाला, मैं इसका रक्षक हूँ। तदा, तदा मीन्स तब, तौ, तौ मीन्स वे दोनों अर्थात देवदत्त और सिद्धार्थ, तदा तौ विवादम कुर्वन्तौ राजसभां गतौ, तब वे दोनों झगड़ा करते हुए राजसभा गतौ गए। अब क्योंकि दो है ना वो सिद्धार्थ और देवदत्त, इसलिए तौ और गतौ गए, ये दोनों क्रियापद, ये क्रियापद है गतौ। राजा सर्वम वृतांतम आकर्ण्य आदेशत, राजा ने सारा वृतांत, वृतांत मतलब जो कहानी जो है, आकर्ण्य सुनकर, आ प्लस कर्ण प्लस ल्यप, राजा ने सारा वृतांत सुनकर आदेश दिया, क्या आदेश दिया, यस्य पार्श्वे हंसः आगमिष्यति, जिसके पास हंस आएगा तस्यै भविष्यति, उसका ही होगा, अर्थात राजा ने उस हंस को बीच में छोड़ दिया और कहा कि जिसके पास भी हंस जाएगा वो हंस उसी का होगा, अगर वो देवदत्त के पास जाता तो देवदत्त का, सिद्धार्थ के पास जाता तो सिद्धार्थ का, ठीक है। तो यस्य पार्श्वे हंस है आगमिष्यति, जिसके पास हंस आएगा तस्यै भविष्यति, उसका ही होगा। हंस सिद्धार्थस्य समीपम गतवान, और हंस कहाँ गया, हंस सिद्धार्थ के पास गया, गतवान गया, ये गतवान क्रियापद, और इसका कर्तृपद कौन है, हंस, ठीक है, कौन गया, हंस गया। सत्यम प्लस इदम, सत्यम और ये छोटी की मात्रा है ना इधर, सत्यम इदम, यह सत्य है, क्या सत्य है, भक्षकात रक्षकः श्रेयान, भक्षक से रक्षक श्रेयान श्रेष्ठ होते हैं। तो आइए अब इसके प्रश्नों को जानते हैं, ठीक है, अब मैं इसके प्रश्नों को हल साथ साथ करूँगी और समझते जाएंगे किस प्रकार से हल किया जा रहा है। प्रश्न है तुम्हारा, कह भूमौ पतितः आसीत, कौन भूमि पर, कह मीन्स कौन, भूमौ भूमि पर, पतितः गिरा हुआ, आसीत मीन्स था, देखो लिखा प्रश्न यहाँ पर एक पदिन उत्तर, बताया गया आपको, पहले ही बताया जा चुका है, एक पद का मतलब एक शब्द में ही हमने उत्तर देना है, ठीक है, अगर दो शब्द आते हैं तो हम हाइफन करके देते हैं, वरना वन वर्ड में ही होता है अधिकतर, एक पद का मतलब एक शब्द में है। अब प्रश्न तुम्हारा, कह भूमौ पतितः आसीत, कौन भूमि पर गिरा हुआ था। अब देखो यहाँ लिखा हुआ ना, बाणेन विद्धः एकः हंस भूमौ पतितः आसीत, अब लिखा ना बाण से घायल एक हंस भूमि पर गिरा हुआ था, कौन गिरा हुआ था, हंस, हम एक नहीं लगाएंगे, हंसः, अब उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर हंसः, हंस गिरा हुआ था, तो इसलिए हंसः। अब प्रश्न अगला, हंसः कस्य समीपं गतवान, हंस किसके पास गया, लास्ट लाइन में है ना, हंसः सिद्धार्थस्य समीपं गतवान, हमने देखो लाइन ढूंढो कर क्या है, लाइन हमारी वही ना, कस्य समीपं गतवान हंसः, ये लिखा हुआ हंस सिद्धार्थस्य समीपं, उसे राइमिंग की लाइन ढूंढनी हमने जो, तो हंस कस्य षष्ठी व्यक्ति लगी हुई है, सिद्धार्थस्य सिद्धार्थ के, हमेशा सेम विभक्ति में ही हमारे उत्तर होते हैं अधिकांशतः, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिद्धार्थस्य, किसके पास गया, कस्य होता है किसके, हंस किसके पास गया, वो सिद्धार्थस्य, हमने यहाँ पर लिखेंगे हम सिद्धार्थस्य, हंस सिद्धार्थ के पास गया, क्योंकि एक शब्द में है इसीलिए एक शब्द में बन गया हमारा, हंसः सिद्धार्थस्य समीपं गतवान। अगला प्रश्न है, हंसम हंसम दृष्ट्वा सिद्धार्थस्य चित्तम कीदृशं जातम, हंसम है ये, ठीक है, हंस को देखकर सिद्धार्थ, क्योंकि सिद्धार्थ कैसा था, दयालु प्रवृत्ति का था, हंस को देखकर सिद्धार्थ का चित्त कैसा हो गया, कैसा हो गया बताओ जरा, कैसा हो गया, हमने पढ़ा है ना, हमने भी यहाँ पर जो है ना व्याकुलम लिखा ना, एकदा एता दृष्ट्वा सिद्धार्थस्य चित्तम करुणया व्याकुलम जातम, व्याकुल हो गया, व्याकुल होता दुखी परेशान, तो हमने यहाँ लिखा व्याकुलम,
व्याकुलम। कभी भी वन वर्ड होगा म को हलंत करना, कोई बच्चा अनुस्वार में आंसर नहीं देगा, उत्तर हमेशा वन वर्ड में म हलंत लगाया जाता है। कह तत्र धावन प्राप्त है, कौन वहाँ दौड़ता हुआ आया। कह मतलब कौन, तत्र मीन्स वहाँ, धावन दौड़ता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यय बताया था पिछले पाठ में मैंने आपको, जो क्षत्रिय में शौर्य का लोप अतशेष अत का अन हो जाता है पुलिंग में, प्राप्त है कौन वहाँ दौड़ता हुआ पहुँचा, कौन पहुँचा वहाँ पर, अत लिखा है ना, अतरानंतरे देवदत्त है धावन तत्र प्राप्त है, इसी बीच देवदत्त दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा, तो कौन पहुँचा वहाँ पर, देवदत्त। अब देखिए, अब हमारा अगला प्रश्न आ रहा है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य का मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना। ऊपर था हमारा एक पद, तो वन वर्ड में उत्तर दे दिया हमने, अब लिखा है पूर्ण वाक्य में, तो पूर्ण वाक्य में प्रश्न है बाणेन विद्ध हंस कुत्र प्रतीत है आसित। विद्ध होता है घायल, बाण से घायल हंस कहाँ गिरा हुआ था। अब कहाँ गिरा हुआ था, ये देखिए बाणेन दिखाई दे रहा आपको, बाणेन विद्ध एक हंस दिखाई दे रहा बेटा, भूमौ पतित आसित। आपको अपने आप पूरा लिखना है, ये पूरा लिखोगे बाणेन विद्ध हंस पुत्र भूमौ, भूमि पर सप्तमी लगी यहाँ पर, भूमौ, अब बाकी सेम लिखोगे पतित आसित। ठीक है, ये सेम लिखोगे, लिख देती हूँ मैं, बाणेन विद्ध हंस बाणेन विद्ध, विद्ध का मतलब घायल, हंस भूमौ पतितः आसीत। अगला प्रश्न है राजा किम आदेशत, राजा ने क्या आदेश दिया, यही दिया था ना, यस्य पार्श्वे हंस आगमिष्यति तस्य एव भविष्यति। आपको पूरा लिखना है यस्य पार्श्वे हंस आगमिष्यति तस्य एव भविष्यति, इति राजा आदिशत, ऐसा राजा ने आदेश दिया। इसके बाद प्रश्न हमारा अस्यः कथायः समुचितम शीर्षकम लिखत, इस कथा का समुचित शीर्षक लिखना है। समुचित मैंने बताया था अभी आपको कि शीर्षक जो होगा वो हमारा एक या दो और ज़्यादा से ज़्यादा तीन शब्दों का होगा, ठीक है, और शीर्षक हमारा इस गद्यांश से संबंधित ही होना चाहिए। सबसे पहले बच्चा, अगर मान लो गद्यांश के अंदर कोई बोल्ड अक्षरों में कोई छोटी सी पंक्ति आती है, वो हमारा शीर्षक ज्यों का त्यों हो जाता है। जैसे यहाँ पर आ रहे हैं बोल्ड अक्षरों में आ रही है भक्षकात रक्षक है श्रेयान, एक हो सकता है शीर्षक हमारा, हमने लिखना एक है लेकिन मैं आपको दो तीन बता रही हूँ कि ये हो सकते हैं हमारे। एक तो हमारा जैसे बताया मैंने अभी कि अगर कोई बोल्ड अक्षरों में गाढ़े अक्षरों में कोई पंक्ति आई है तब वो हमारा ज्यों का त्यों शीर्षक बन जाता है, ठीक है, एक तो ये हो गया। एक और क्या बन सकता है हमारा, सिद्धार्थ या, ठीक है, या सिद्धार्थ, दो की कहानी है ना ये, सिद्धार्थ देवदत्त की है, तो सिद्धार्थ देवदत्त च, सिद्धार्थ और देवदत्त। एक आ सकता है, एक हो सकता है राजकुमार सिद्धार्थ, क्योंकि उसी की कहानी है हमारी, तो राजकुमार
तो बच्चों शीर्षक हमारा छोटा और सार गर्भित होना चाहिए। अगला देखेंगे भाषिक कार्य। भाषिक कार्य जितने भी प्रश्न होते हैं वो हमारे व्याकरणिक होते हैं, ऑप्शंस में होंगे और उन्हीं ऑप्शन से हमें उत्तर निकालने हैं। पहला प्रश्न है रक्षक पदस्य विपर्य पदम किम। विपर्य मीन्स होता है उल्टा, विलोम। रक्षक का विलोम क्या हंस हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता ना विलोम, ना देवदत्त होगा। भक्षक है, रक्षक है रक्षा करने वाला, भक्षक है खाने वाला, तो सीधा हमने क्या लिखा यहाँ पर, हमने भक्षक रक्षक भक्षक। क्लियर हो रहा बच्चा? हाँ जी। अब देखो अगला प्रश्न, अनुच्छेदे मनः पदस्य कः पर्यायः आगतः। मन का यहाँ तो हमने उल्टा, रक्षक का भक्षक, ठीक है। अब मम का पर्याय पद, सॉरी मनः का पर्याय पद, अरे समझते हो ना, समानार्थी। शरीरः चित्तम धावन, क्या होगा मनः का चित्तम, मन और चित्त बात एक ही होती है। मेरे मन में यह बात आई, मेरे मन चित्त में यह बात आई, चित्तम, ठीक है। और मैंने तुम्हें पहले बताया था माँ को हलंत करके ही लिखेंगे सब बच्चे। अगला प्रश्न, गतवान इति क्रियापद से कह कर्ता। गतवान, गतवान का इस क्रियापद का कर्ता पद, कर्ता और कर्तृपद एक ही बात होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कर्ता पद लिखा। अब देखा हमें गतवान ढूंढना है कहाँ लिखा हुआ है। बताया था मैंने गतवान, ये लिखा हुआ हंस सिद्धार्थ से समीपम गतवान। कौन है कर्ता यहाँ पर? हंस। हंस सिद्धार्थ के पास गया। आप देखो इसमें ऑप्शंस में देखेंगे हंस, यहाँ लिखा हुआ हंस, राइट। हमें ध्यान से देखना है, जो भी कर्ता कौन होते, कार्य को करने वाला, कौन गया? हंस गया। राजकुमार सिद्धार्थ है, अत्र किम विशेषण। राजकुमार सिद्धार्थ, यहाँ विशेषण क्या है? विशेषण क्या होता है? विशेषता। सिद्धार्थ की विशेषता बताइए, कौन है वह? राजकुमार। कैसा है? राजकुमार है, ठीक है। तो राजकुमार जो है वो यहाँ विशेषण है, राजकुमार। तो विद्यार्थियों हमारा ये अपठित गद्यांश पूर्ण हुआ, आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। विद्यार्थियों ये आपको कक्षा कार्य में करना होगा, होमवर्क नहीं होगा, कल कक्षा कार्य में करना होगा। और ये अनुच्छेद काले पेन से लिखोगे, ब्लैक पेन से लिखना ही होगा, क्योंकि पुस्तक नहीं है आपके पास। पुस्तक होती तो मैं खाली संकेत में लिखवाती, अब पुस्तक नहीं है तो लिखना ही होगा। अगली जब हमारे स्कूल खुल जाएंगे तब पुस्तकों में संकेत के रूप में लिखवाया जाएगा, जैसे 8वीं कक्षा में करवाया जाता था। आपको बिल्कुल उसी तरीके से एक पद दिन में प्रश्न लिखोगे, यहाँ उत्तर लिखोगे, 1/4 लाइन में लाइन डालकर, ये फिर पूर्ण वाक्य, प्रश्न उत्तर, शीर्षक, बिल्कुल सेम। मैं आपको इसके फोटो एक भेजूँगी, ठीक है।